पूसा इंस्टीट्यूट में एक विद्यार्थी पढ़ रहा था, एकदम नास्तिक था, और उसको कुछ एक झलक मिली तो फिर वो बोला कि हमको कुछ करना है, कुछ पाना है, हमारे पास है गुरुजी, आप एक मंत्र दीजिए। तो बहुत पीछे पड़े, मैंने कहा ठीक है चलो मंत्र, इसमें फलाना मंत्र जप करो, थोड़े से ध्यान करो मंत्र। मैंने कहा सिर्फ 20 मिनट बैठ के ध्यान करना, ज़्यादा नहीं। गुरुजी ये तो छोटे लोगों के लिए, अभी नए लोगों के लिए, मैं तो 20 मिनट मेरे लिए नहीं ठीक, टाइम मैं अपने आप तय करूँगा, आप सिर्फ हमको बता दीजिए जो करना है। और घर आके आए पूरा लाइट, इतने बल्ब सब लाइट डाल कर रोशनी करके वहाँ बैठ गया अपना पूरा। ऐसे एक दिन दो दिन, आज तो मैं भगवान साक्षात्कार करके रहूँगा हट करके बैठ के। और 3 दिन के बाद उनको ऐसा लगा वो खुद हनुमान जी बन गए। फिर गए वो हनुमान जी का मंदिर है करोल बाग में, मंगलवार का दिन था, वहाँ गए, बोले पुजारी को ये क्या तुमने बकवास बना रखे, मूर्ति वर्ति सब हटाओ, मैं आ गया हनुमान, लड्डू वड्डू प्रसाद सब मुझे दो। जब हनुमान जी साक्षात मैं यहाँ खड़ा हूँ तो क्या मूर्ति की पूजा कर रहे हो, चलो उनकी क्या हालत हुई होगी आप जरा सोच लेना, वो भी मंगलवार, इतनी सारी भीड़ लोग, हम कहीं और थे, झांसी में थे, मुझे वहाँ खबर मिला ये व्यक्ति अभी एम्स में एडमिट है। गुरुजी किसी की बात नहीं सुन रहा है, आप ही को आके संभालना पड़ेगा, आप बताइए जरा। हम आए बोले अच्छा तुम हनुमान हो तो मैं राम हूँ। मैंने कहा तू बैठ यार खाओ ठीक से ढंग से, और जो डॉक्टर बोल दवा लो, नींद की गोली दी गई है उनको, सोए नहीं इतने दिन, 4 दिन नहीं सोया, 4 दिन खाया नहीं, बैठे अपना लगाता रहा अपना हट करके, तो क्या भ्रम पैदा हो गया। फिर खाया पिया सोया सब, फिर रास्ते में आ गया, फिर ठीक हो गया, फिर उस